ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई मानु शर्मा उजरई जाट मई खतौली आगरा उत्तर प्रदेश से। पेड़ की मीठी मीठी झनकार आप सभी तक पहुंचा रहे हैं आदरणीय भाई प्रेम सिंह जी उबार से और झीके की मीठी मीठी झनकार सम्मान्य बड़े भाई गोपाल सिंह जी छोकर
लेकिन कहना क्या, अरे पांच अरे सात दिनों में ऐसा और कोई एक दिन आएगा, 26 तत्व का तन ढूंढे से ना पाएगा। और अरे चार दिनों की चांदनी ये, चार दिनों की चांदनी, चार दिनों की चांदनी, फिर रात अंधेरी आएगी भैया। गौर करिएगा मेरे प्रश्न की तरफ, और बुजुर्ग लोगों ने बड़ा ही सुंदर कहा है, विद्वानों ने, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, और वो राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जीर। प्रसंग मेरा महाभारत के बीच में से होगा। एक बार भीमसेन दुर्योधन की दोनों जंघाओं को तोड़ देता है। विद्वानों, दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, पड़ा पड़ा अपनी पहली दशा को याद कर रहा है। आज नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रो रहा है, बिलख रहा है, और अपने पहले दिनों को याद कर आज फूट फूट करके कहने लगा। बड़ी सुंदर बात है, जिकड़ी का झरारा भैया मानो किस प्रकार से, और ये तो चार जिनावर, चार जिनावर जिंदे पे मोए नोच नोच के। दुर्योधन मन में विचार करना है, सोचना है, अरे कोई ना मेरे पास टूट गई, दादाजी क्या, अरे कोई ना मेरे पास टूट गई, आस लास पे डोले सौ भैयन में ते आज कोई मुख ते ना है। और विद्वानों ने कहा है क्या, घुट सफर के प्याले प्याले, क्या बात है, कहना क्या, गम के घुट सफर के प्याले, गम के घुट सफर के प्याले, आंख मीच पीना चाहिए। और पीना क्यों चाहिए, बड़ी सुंदर बात क्या, आगे गम के घुट सफर के प्याले, आंख मीच पीना चाहिए भैया मानो क्या, अरे आंख मीच पीना चाहिए, है आफत का, है आफत का, क्या कहना, अरे है आफत का, है आफत का, नाम जिंदगी हंस हंस के जी ना चाहिए, है आफत का नाम जिंदगी।
सुंदर बात कही। आज ऐसे ही उस दुर्योधन के रुधन को उसका मित्र अश्वत्थामा बड़ी दूरी से बड़ी गहराई से सुन रहा है। आज मित्र से रहा नहीं जाता और दुर्योधन के पास में चला आता है, लेकिन अश्वत्थामा कह रहा है, हे दुर्योधन मेरी सुन। अर्थ में जवाब दिया, अब जो रोवे राजा तेरो, अब जो रोवे राजा तेरो, और ये तो कर्म लपेटा ले गया है, जैसी करनी वैसी भरनी तेरे दो आखन आगे है। सो मती के हीन कुढ़े मत राजा, और आज तुम दुख विपता को झेलो, और मेरे पंचो आज वो रोवे रण भूमि में अकेलो। लेकिन आज वो दुर्योधन जैसे ही रुधन कर रहा है तो बड़ी सुंदर बात की, जिगड़ी का ढोला आ रहा है भैया किस प्रकार से। लेकिन कहना
हो बाजी